काफ़ी सारी शयूं असांखे मरियम साहिब ॿुधाए छॾियूं आहिनि हिन फेस्टिवल जे बारे में। एक फैमिली फेस्टिवल आहे जेको थियण वारो आहे पहिरीं ॿीं 3 डिसंबर ते थियण वारो आहे, ऐं मज़ीद इन जे बारे में असां डिटेल में ब्रीफली तव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदासीं। थोरो सो अचणु चाहियां थी सैफुल्ला साहब जी तरफ़, ऐं थोरो सो मां उन्हनि खां ॼाणणु चाहियां थी। सैफुल्ला साहब, एक जैसे आपने कहा कि एक कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने कल्चर के लिए, अपने अपने पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, ज़रा से मैं जानना चाहती हूँ, जब ये फेस्टिवल ऐसा नहीं होता कि आपने बोला और हो गया, ये एक पूरा प्रोसेस होता है, डे वन से आप स्टार्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, चीज़ें आप फाइनलाइज करते हैं, एक अपना ये तो एक यू नो ऑफिशियल चीज़ है कि एक फेस्टिवल हो रहा है, अच्छा ये होना चाहिए, इसका ये काम है, इसका ये काम है, लेकिन सैफुल्ला साहब के लिए एक कल्चर अपने लिए क्या है, कल्चर को प्रेजेंट करना क्या है, और इस फेस्टिवल में ऐसा क्या हो रहा है, एक मखसूस चीज़ जिसको आप कहें कि यार ये जो है ना, ये अगर नहीं होता तो ये फेस्टिवल नहीं होना था, और ये यही तरीका है अपने कल्चर को प्रमोट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेरे लिए मेरा जो कल्चर है, मेरे जो आबाओ अजदाद ने जिस तरह की लाइफ गुजारी है, जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनका रवायत है, जो कल्चर है, उनको मैं करीब से देखना चाहता हूँ और उनकी फील लेना चाहता हूँ, और वो कल्चर और वो रवायत और वो लिटरेचर मैं अपनी अगली अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों तक वो प्रमोट करना चाहता हूँ, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे लिए ये कल्चर है। ज़बरदस्त। अगर आप DX सिंध कल्चर डे के हवाले से अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे जो जैसे मरियम ने भी बताया कि रूरल एरिया से जो लोग हैं, जो अपने हैंडीक्राफ्ट को लेके आते हैं और उनको यहाँ पे प्रमोट करते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी को समझूँ कि वो सबसे मेन पार्ट है हमारा, तो वो हैंडीक्राफ्ट हैं, और वो रूरल एरियाज़ के लोग वो उसी रवायती लिबास में आते हैं, उसी लैंग्वेज में आके बात करते हैं। हम तो यहाँ उर्दू बोलते हैं, हम तो यहाँ इंग्लिश बोलते हैं, हम तो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन वो उसी लैंग्वेज में आके बात कर रहे होते हैं, और उसी अंदाज से वो ट्रीट कर रहे होते हैं, और उनको मिल के देख के, उनके हैंडीक्राफ्ट को देख के, हमें कल्चर को करीब से देखने का मौका मिलता है। अगर हम वहाँ जाएँ, सूट पहन के जाएँ, उर्दू बोल रहे हों और बड़े फॉर्मल तरीके से चाह रहे हो, तो वो फिर कल्चर नहीं है, वो कमर्शियल है। तो कमर्शियल लाइफ तो है ही है, तो अब कमर्शियल लाइफ में वो कल्चर नहीं पनपता, तो उस कल्चर को कनेक्टिविटी के लिए और उसको अपनी नेशन तक पहुंचाने के लिए उसको इसी अंदाज से देखना और इसी लेवल पे जाके उसके साथ इंटरेक्शन करना ही इनफैक्ट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने क्योंकि उस कल्चर की, उस खूबसूरत तरीके की बात की है, जिस तरीके में हम जब गांव देहात में जाते हैं तो हमें लोग मिलते हैं, ज़रा से मैं इस कल्चर पे एक और बात यहाँ अपने प्रोग्राम में रखना चाहती हूँ। बड़ा दुख होता है जब लोग उसी गेटअप का, उसी अपीरेंस का, बड़ा लोग काफ़ी बार मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात से। फिर बिल्कुल, और उसके बाद फिर जब वो लोग कोशिश करते हैं कोई और ज़ुबान बोलने की, कोई अगर उनमें से कोई अच्छा एजुकेटेड, बहुत सारे एजुकेटेड हमारे पास लड़के लड़कियाँ भी हैं, बच्चियाँ भी हैं हमारे पास, तो वो जब अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करती हैं या कोई और ज़ुबान, या जिस तरह हम कमर्शियल लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज को हम इस वक्त कह रहे हैं, तो जब भी उर्दू बोलने की बात करते हैं तो उनके एक्सेंट पर भी मजाक उड़ाया जाता है, उनकी अंग्रेज़ी पर भी मजाक उड़ाया जाता है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि अगर कोई अपने एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोल रहा है तो आपको प्रायोरिटी अपने एक्सेंट को देनी चाहिए, अपने ज़ुबान को, कि उस अंग्रेज़ी को देनी चाहिए जो वो सही एक्सेंट में नहीं बोल रहा। उसी की जगह पे मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ अपने तमाम उन लोगों की जो बड़े हमारे अदीब हैं, बड़े दानिश्वर हैं, मैं सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त ये भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब वो बंदा जिसने परवरिश किसी अर्बन एरिया में ली है और वो अगर एक्सेंट सही नहीं इस्तेमाल कर रहा होता, काफ़ी हमारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी सिंधी बड़ी क्लियर नहीं होती, तो मुझे तकलीफ़ उनसे भी बड़ी होती है कि वो लोग उनके एक्सेंट का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यार ये तुम सिंध में रहे हो, तुम्हें सिंधी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो मुझे बड़ी इन चीज़ों से तकलीफ़ होती है और बड़ी दिल पे मुझे लगती हैं ये बातें कि यार ये कल्चर जो आज आप दिखा रहे हैं कि आपने एक्सेंट ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना, क्या जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ये मेरा कल्चर आपको सिखाता है? अगर आपकी ज़ुबान, आप उर्दू बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं या सिंधी गलत बोल रहे हैं, ये तीनों चीज़ें अगर गलत हैं तो क्या ये मेरा कल्चर सिखाता है कि आप किसी की तजलील करके उसको ज़ुबान सिखाएं? मेरा कल्चर तो ये नहीं सिखाता। तो फिर हमने कल्चर के नाम पे, मुझे तो लगता है अब कल्चर को बेचना शुरू कर दिया हमने, अब जो है ना उन लफ्ज़ों को बेचना, चार लफ्ज़ हम सीख नहीं लेते और हम उसको बेचना शुरू कर देते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभी ऐसे लोगों को देखकर। और शायद आप और मेरे मुझ जैसी ख़वातीन शायद इन चीज़ों को बड़ी अच्छे से हैंडल कर लेती हैं, लेकिन वो
स्पेसिफिकली वो बंदा जो गांव देहात से आया होता है वो यूज़ टू नहीं होता इन शार्प लैंग्वेजेस के, और हम उनको वो शार्प लैंग्वेजेस हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो कभी कभी बड़ी तकलीफ़ होती है कि उनके दिल पे क्या गुजरती होगी और कैसे वो लोग डील करते होंगे. लेकिन वहीं पे हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उन्हीं उसी गेटअप को प्रमोट करते हैं, और जब मौका मिलता है तो ना सिर्फ उनको प्रमोट किया जा रहा होता है बल्कि ख़ुद उनके जैसे बन के और प्रेजेंट हुआ जा रहा होता है. तो ये बड़ी अच्छी बात है.